मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनोज कुमार शर्मा. स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दैट इज ऑफ क्लास 11th. टुडेज सब टॉपिक्स आर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट इज सिग्मा एंड पाई बीटा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया बेटा, लुईस थ्योरी डिस्कस की बेटा, बैस्पर थ्योरी डिस्कस की. अब जो लुईस अप्रोच थी बेटा, दैट हेल्प्ड अस इन राइटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. और बेटा, अब लिस्ट से हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज हाइड्रोजन और फ्लोरीन. इन दोनों में ही क्या है, आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यू नो उनकी एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सपोज, बट दे आर हैविंग योर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पीज. अब ये डिफरेंट क्यों है, इसको भी आपकी जो लुईस थ्योरी थी, दैट कुडंट एक्सप्लेन दिस थिंग. और जो लुईस अप्रोच थी बेटा, ये आपकी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दे पाई. उसके बाद जो बैस्पर थ्योरी थी, दैट गेव द ज्योमेट्री ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट थियोरेटिकली ये उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. इट मींस इसकी भी एक लिमिटेड एप्लीकेशंस थी बेटा. जस्ट टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, यू नो, टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज विच वर बेस्ड अपॉन क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स, दे वर इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन बेटा, एंड दीज वर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सेकेंड वन वॉज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. स्टूडेंट्स, दिस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी that was introduced by Hitler and London in 1927, and later on it was further developed by Pauling. And you know, the balance bond theory jo hai beta, that is based on the knowledge of, you know, atomic orbitals jo aapne abhi tak you have studied beta, the electronic configuration of the elements, overlap criteria of the atomic orbitals beta, and then the hybridization of atomic orbitals एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, जो हम अभी करेंगे बेटा. तो मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर दीज फाइव थिंग्स बेटा, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड देन द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन. सो स्टूडेंट्स, to understand the balance bond theory, you know, let's consider the formation of hydrogen molecule, because it is the simplest of all the molecules. Let's consider two hydrogen atoms which are at an infinite distance away from each other, jo bahut dur hai ek dusre ke se. Jab ye bahut dur hain to inke beech mein jo interactions hain ya the energy hai, that is zero, that is maximum. Now when these two atoms A and B, they are approaching each other, और जिनके आपके क्या हैं, न्यूक्लियाई हैं एन ए एंड एन बी, एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर सपोज ई ए एंड ई बी बेटा. सो वेन दीज एटम्स, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वेन दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, देन देर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन दैम. लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के करीब आएंगे बेटा, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो है, दैट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. नाउ ये अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी रहेंगी, लेट्स सी. लेट्स से बेटा, दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ योर ए हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ योर बी हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ योर दिस ए हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ योर बी हाइड्रोजन एटम. सो बेटा, नाउ दिस इज द न्यूक्लियाई ऑफ बी एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ बी. सो दीज आर द, देर इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ योर दिस इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली हियर बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन देर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दीज आर द ओल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. बट यू नो वेन दीज टू एटम्स दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, वॉट विल हैपन, the new forces of attraction will
टेक प्लेस बेटा। न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं दे विल बी डेवलप्ड, और ये कौन सी रहेंगी? इलेक्ट्रॉन ऑफ योर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द बी एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द ए एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द बी एटम के बीच में जो आपकी क्या होगी, न्यू फोर्सेस, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है यहां डेवलप होगी बेटा। सो द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज NaEa के बीच में इंट्रैक्शन बेटा, और Na और Eb के बीच में इंट्रैक्शन जो है, दीज आर योर ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आपका न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम दैट इज योर Na एंड Eb एंड Nb एंड Ea के बीच में जो इंट्रैक्शन है, दे आर योर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। नाउ रिपल्सिव फोर्सेज जो अराइज होंगी बेटा बिटवीन द एटम्स, वो कौन कौन सी होंगी? यू नो, जब आपके दो एटम्स करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, तो क्या होगा? उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्सेज होंगी, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? रिपल्सिव फोर्सेज डेवलप होंगी। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स लाइक ई एंड ई बी के बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्सेज ऑपरेट करेंगी, और आपका न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स एन ए एंड एन बी के बीच में भी आपकी क्या करेंगी? रिपल्सिव फोर्सेज ऑपरेट करेंगी बेटा। और ऑलवेज रिमेंबर, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं बेटा, दे विल टेंड टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू इच अदर, वेयर एज रिपल्सिव फोर्सेज क्या करेंगे? एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे बेटा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि बेटा इन केस ऑफ हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेज। दैट्स व्हाट H2 यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मोर अट्रैक्टिव फोर्सेज एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर रिपल्सिव फोर्सेज, जब आपके क्या कर रहे हैं, दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन। सपोज बेटा द टू हाइड्रोजन एटम्स दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, लेट्स से लाइक दिस, देन इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हैं दे आर योर नेग्लिजिबल, एंड व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे देयर एनर्जी इज मैक्सिमम, लेट्स से। लेकिन व्हेन दीज एटम्स स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, यू नो व्हाट इज हैपनिंग when they are coming close to each other, so after this what is happening here, now just see the energy is going to decrease, energy is going to decrease and will reach at a point where minimum energy is there, that corresponds to the stability, maximum stability of your this hydrogen molecule beta. But after that, when we'll try to bring these two atoms more close to each other, उसके बाद हम और ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? This energy will increase. इसका मतलब क्या? Repulsive forces जो हैं, they have started operating between them because repulsion जो है, that leads to increase in energy. So बेटा, so at this point there is the maximum. जब आपका क्या है? जब आपका when the two atoms they are approaching each other, is they clear, and they are having a minimum energy, is they clear? So that corresponds to the maximum stability of the this hydrogen molecule. Or isme jo inki jo at this point beta jo bond length hai in do atoms ke beech mein, that is of 74 picometers. So it means the bond length of this hydrogen molecule is 74 picometers. After this, if we'll try to bring these atoms more close to each other, so beta internuclear repulsive forces will start operating and inter-electronic repulsive forces will start operating, and due to which here there will be a rise in energy. Is that clear? So that will lead to the instability. So hope students this is clear. So now just see, when two atoms approach each other and the potential energy decreases, as I've told you, a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and the system acquires minimum energy. This is this stage beta, where the system is acquiring your minimum energy. At this stage beta, the two atoms
At this stage, these two atoms, is that clear, are said to be bonded together. Is that clear? To form a stable molecule. यहां ये molecule क्या है? That is stable because it is having minimum energy. Is that clear? और ये क्या बना रहे हैं आपके? Stable molecule बना रहे हैं. And the bond length of this molecule is here 74 picometers. Now, बेटा, अब since the energy gets released, अब you know, बेटा, when this decrease in energy is there, it means it is releasing some amount of energy. Is that clear? When the bond is formed between the two hydrogen atoms, is that clear? The hydrogen molecule, it means that is more stable as compared to that of the isolated atom. You know, in atoms के बजाय बेटा आपकी क्या है? ये आपका जो molecule है, that is more stable because it is having less energy. So, this molecule is more stable as compared to that of your isolated hydrogen atoms. And, ये जो energy जो release हुई बेटा आपकी यहां, is that clear? When these two atoms are approaching each other, is that clear? Whatever energy is released over here, this energy released is called your bond enthalpy. And that is corresponding here to the minimum in the curve, beta. So, this energy is your 435.8 kilojoule per mole. So, it means, beta, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए 435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए एंड दैट इज द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस वाटर दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज वेल एज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो हियर जस्ट सी हाइड्रोजन प्लस 435.8 किलोजूल पर मोल दैट इज गिविंग यू द gaseous hydrogen atom. So that is nothing but that is a bond enthalpy or you can say bond dissociation enthalpy. Hope students this is clear. Next is orbital overlap concept. Look beta, in the formation of the hydrogen molecule, you know, when the two atoms are approaching, you know, their orbitals must overlap with each other. And you know, so, orbital क्या होने चाहिए? एक दूसरे के अंदर जो है आपके penetrate कर जाने चाहिए बेटा. So, it means, when the two atoms are approaching each other, the atomic orbital जो है बेटा, they undergo the partial interpenetration. और ये जो आपकी partial interpenetration है इन orbitals की बेटा, यही क्या कहलाता है आपका? Orbital overlap. For example, suppose this is a s orbital, this is a s orbital of the other atom, let's say. When these two atoms, when they are approaching each other, to iske jo s orbitals hain, they will overlap like this. They will interpenetrate into each other. There is some partial interpenetration of these orbitals. And this interpenetration of these orbitals, that is called your overlapping of the atomic orbital. Or, jiski wajah se aapka kya hota beta? Pairing of the electrons takes place. So, in the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state. When two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. This partial merging of the atomic orbitals is called overlapping of the atomic orbitals. Hope students this is clear. Which results in the pairing of electrons. Or the extent of overlap jo hai beta, that will decide the strength of the covalent bond. Means jitna jyada overlap hoga aapki strength jo hai covalent bond ki utni hi jyada hogi. Let's say this was s orbital of hydrogen beta, this was 1s orbital of your this hydrogen, and you know they are just overlapping each other over here. And these orbitals are having your opposite spins beta. Means they are
they are having the electrons with the opposite spins. And now when these orbitals are overlapping with each other, there is now higher density of the electron between these two nuclei of the atoms. So probability of finding the electron is going to increase in such type of overlaps here. But in general, beta, more is the overlap over here, more stronger is the bond formed between the atoms. Therefore, according to the orbital overlap concept, jo aapka beta formation of covalent bond hai between the atoms, that results by the pairing of the electrons present in the valence shell. But they must have the opposite spins. Aapki yahan jaise show kiya beta maine, this is having the opposite spins from that of your this one. So now, directional properties of the bonds. Okay, jo aapka covalent bond hai beta, that is formed by the overlapping of the atomic orbitals. Okay, ki aapke atomic orbitals overlap karenge, aapka covalent bond banega. Aur jo molecule hai beta hydrogen ka, that is formed by the overlap of your 1s orbital of the two hydrogen atoms. But in case of your polyatomic molecules like methane is there, ammonia is there and water is there, jo geometry hai beta in molecules ki, that is important in addition to the bond formation. Geometry is important over here in case of your polyatomic molecules. Jaise ki jo aapka methane ka molecule hai, why it is tetrahedral shaped beta? और उनके बीच में जो आपका HCH बॉन्ड है मिथेन में, उनके बीच में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज क्यों है? और आपका जो आपकी शेप है अमोनिया की, वो पिरामिडल क्यों है? आपका वाटर मॉलिक्यूल वो बैंड शेप्ड क्यों है? नाउ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है बेटा, दैट एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मिथेन, अमोनिया एंड वाटर एक्सेट्रा in terms of overlap and hybridization of the atomic orbitals. Inke jawab hum dhoondne ki koshish karenge beta, ki aapka tetrahedral shape kyun hai methane ki, ya pyramidal shape kyun hai aapki ammonia ki, band shape structure kyun hai aapka water ka. To balance bond theory se hum in के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बेटा. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया एंड वाटर एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा. नाउ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके बेटा, व्हेन orbitals of the two atoms come close to form the bond. जब आपके orbitals दो atoms के close आते हैं बेटा, ठीक है, और उन क्या बनाते हैं, आपके bond बनाते हैं, तो आपका ये जो overlap है, that may be positive, may be negative और may be zero. और ये depend करेगा आपका किसके ऊपर बेटा, sign, और you can say phase of the orbitals बेटा, and the direction of the orientation of the amplitude of the orbital wave function in the space. Positive and negative sign jo hai beta on the, you can say boundary surface diagram jo rehte hain beta orbitals ke, unke kya hai aapke positive aur negative sign jo hain, ye kya show karta hai beta, that show the sign of the orbital wave function, but that is not related to the charge. Jaise beta aapko pata hai ki orbital jo hai, that is the probability of that is the space where probability of finding the electron is maximum. So you know electron, that is a wave, and wave moves in the form of your crest and troughs. Okay, when crest fall on the crest, then the wave is said to be in phase. Suppose crest is positive, so positive, so sign kya hone chahiye beta, jo aapke sign hone chahiye, jo aise orbitals hain jo aapke overlap kar rahe hain, they must have the same sign, they must be in same phase. Only then the bond formation will take place. ये क्यों अभी आगे हम discuss करेंगे. Now the orbitals forming the bond should have the same sign. जैसे अभी कहा मैंने. और आपकी orientation भी आपकी क्या होनी चाहिए उन orbitals की? Same होनी चाहिए बेटा in the space.
पार्टिकुलर ऑरिएंटेशन होनी चाहिए, मीन्स टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट अप्रोच ईच अदर। सो अगर आपका साइन सेम है बेटा, ऑरिएंटेशन भी स्पेस में सेम है, तो आपकी क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप विल बी देयर। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैप्स ऑफ द एस एंड पी ऑर्बिटल्स, लेट्स सी। सो बेटा जस्ट सी दिस पीजेड ऑर्बिटल, दे आर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो पॉजिटिव ओवरलैप इज देयर। नाउ द लोब्स ऑफ दिस पीजेड ऑर्बिटल, दे आर हैविंग सेम साइन बेटा। व्हेन देयर साइन इज सेम, तो मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव ओवरलैप, और यू कैन से इन फेज ओवरलैप इज देयर। सिमिलरली हियर पीजेड एंड यू नो दिस पीजेड जो है ऑर्बिटल को हम लेते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय कन्वेंशन। सो पीजेड इज कंसिडर्ड एज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय कन्वेंशन। सो बेटा नाउ हियर पीजेड ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग विद द एस, एस इज योर नॉन डायरेक्शनल है एंड दिस इज योर स्फेरिकली सिमेट्रिकल बेटा। सो मीन्स दिस ओवरलैप इज ऑल्सो योर पॉजिटिव ओवरलैप बेटा। सो देन हियर पीएक्स साइडवाइज ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, सो पॉजिटिव लोब इज ओवरलैपिंग विद द पॉजिटिव वन ओवर हियर, नेगेटिव विद नेगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव ओवरलैप बेटा। एंड दिस ओवरलैप विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पाई बॉन्ड, वेयर एज ये ऊपर वाले जो है बेटा दो, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर सिग्मा बॉन्ड, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और दिस इज अ PY, दिस इज अगेन साइड वाइज ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर, सो पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है बेटा, तो दिस इज ऑल्सो योर पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। नाउ नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप मीन्स जब आपका पॉजिटिव लोब जो नेगेटिव लोब के साथ आपका पीजेड का जो आपका पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब के साथ बेटा ओवरलैप कर रहा है, देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, तो मीन्स that will not lead to the bond formation. Similarly here beta positive s orbital is overlapping with the negative lobe of this pz orbital, again that will also result into the negative or out of phase overlap beta. So yahan sidewise overlapping of px overlap jisme positive negative ke sath overlap kar raha hai, to again negative or out of phase overlap is there. To yahan bhi pypy ke case mein bhi beta sidewise overlapping is taking place, to aapka yahan bhi kya ho raha hai, aapka साइड वाइज ओवरलैपिंग के साथ आपका हो रहा है, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इन सच टाइप ऑफ ओवरलैप्स बेटा। नाउ जीरो ओवरलैप, अब यहां क्या है बेटा, ओके पॉजिटिव इज देयर बट यू नो प्रॉपर ऑरिएंटेशन इज नॉट देयर। नाउ एस ऑर्बिटल तो चलो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इस देख ले इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बेटा जहां यहां जो है पी ऑर्बिटल जो है दैट इज orienting along this direction, so this overlap is not effective overlap, so proper orientation is not there of this orbital, that's why this overlap is your zero overlap or out of phase overlap is there, aur ye kis wajah se beta different orientation ki wajah se, usi tarah ye px and py, px orbital and py orbital jo hai inki bhi orientation proper nahi hai, exactly they are perpendicular to each other, so that will also be your zero overlap. Now the criteria of the overlap as the main factor for the formation of covalent bond beta, that applies informally to the homonuclear and heteronuclear diatomic molecules and polyatomic molecules. Ab beta hame pata hai ki methane ki aapki tetrahedral geometry hai, मिथेन अमोनिया की आपकी पिरामिडल है, वाटर की आपकी बैंड शेप्ड है। अब ना वी हैव टू अप्लाई दिस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू फाइंड दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स, टू फाइंड आउट कि आपकी ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेटा इन मॉलिक्यूल्स की, क्या हम इसको हम ऑर्बिटल ओवरलैप के टर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। ना मिथेन मॉलिक्यूल बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है बेटा कार्बन की
which is the central atom of this methane, that is of 1s2, 2s2, 2p2. 1s2 means helium, helium then 2s2 and 2p2. So बेटा in excited state, इसकी जो electronic configuration क्या हो जाएगी बेटा, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. तो means one of the electron from 2s orbital is going to jump to 2pz orbital बेटा. Now, अभी नो बेटा, इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इज दैट क्लियर? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्साइटेशन जो दैट इज कंपेंसेटेड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी. और ये रिलीज एनर्जी कब हुई बेटा, जब आपके क्या हुए, जो आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए आपके किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट रिलीज एनर्जी जो है बेटा वो कंपेंसेट करेगा इस एनर्जी को विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू द 2p ऑर्बिटल. नाउ द फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, दैट इज ऑफ 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. इज दैट क्लियर? और ये सारे के सारे क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये क्या करेंगे बेटा, दे विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ योर दिस फोर हाइड्रोजन एटम्स बेटा, एंड दीज आर योर सिंगली ऑक्यूपाइड बेटा. ये जो s ऑर्बिटल्स हैं मीन्स हाइड्रोजन, यू नो 1s1 मीन्स s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड. सो दिस विल रिजल्ट, नाउ हाइड्रोजन के और कार्बन का जो ऑर्बिटल्स बेटा ओवरलैप करेंगे, दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ योर 4CH बॉन्ड्स. अब नाउ द 3p ऑर्बिटल जो है बेटा कार्बन के, दे आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर. क्या है ये, आपके जो तीन ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स, दे आर एट 90 डिग्री टू वन अनदर. और जो HCH एंगल है बेटा फॉर दीज विल ऑल्सो बी योर 90 डिग्री. इट मीन्स तो इन सभी का क्या होगा, 90 डिग्री होगा इन तीनों का एंगल. दैट इज द 3CH बॉन्ड्स विल बी ऑरियंटेड. इट मीन्स जब आपके क्या हो रहे हैं बेटा, जब तीन ऑर्बिटल जो हैं आपका, व्हेन दे आर ऑरियंटिंग इन द एट एन एंगल ऑफ योर 90 डिग्री, इट मीन्स जो HCH एंगल है फॉर दीज विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. दैट इज 3CH बॉन्ड्स विल बी ऑरियंटेड एट 90 डिग्री टू वन अनदर. नाउ 2s ऑर्बिटल जो है बेटा ऑफ द कार्बन and 1s orbital of your hydrogen, they are your spherically symmetrical and they can overlap in any direction beta, but the direction of the fourth CH sigma bond, that means it cannot be determined. Lekin beta yahan jo angles aa rahe hain, HCH angle jo aa raha hai yahan kitna aa raha hai, 90 degree, that is not going to coincide with the angle ऑफ द मिथेन HCH बॉन्ड्स का जो एंगल है बेटा, दैट इज ओ 109.5 डिग्रीज. आप नाउ जैसे, बट दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट कंसाइड विद द टेट्राहेड्रल HCH एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्रीज बेटा. इट मीन्स सिंपल एटॉमिक ओवरलैप जो है बेटा, ऑर्बिटल ओवरलैप जो है, दैट डज नॉट अकाउंट फॉर द directional characteristics of the bond in the CH4, that is a methane. Similarly, आपका बेटा वही सेम रहेगा आपका अमोनिया के लिए भी और वाटर के लिए भी. जो HNH और HOH angles जो हैं, देख क्या हो, क्या होनी चाहिए, 90 degree होनी चाहिए according to the orbital overlap. But that is in disagreement with the actual bond angles of your अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है बेटा कितना है, HNH बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्रीज, वेयर एज इन वाटर इट इज योर HOH बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो कितना है, 104.5 डिग्रीज. नाउ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग की के बेस पे हम उनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज योर पाई बॉन्ड. नाउ
सिग्मा बॉन्ड मिला। फिर बेटा जो सिग्मा बॉन्ड बनता है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है बेटा ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। क्या कहा मैंने बेटा, जो सिग्मा बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। नाउ सिग्मा बॉन्ड जो है बेटा दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल SS ओवरलैपिंग बेटा, अब आपको ज्यादा क्लियर होगा ये एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग बेटा। इन दिस केस बेटा देर इज ओवरलैप ऑफ द टू हाफ फिल्ड S ऑर्बिटल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। नाउ जस्ट सी दिस ओ S ऑर्बिटल, दिस ओ S ऑर्बिटल, दे आर ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इज दैट क्लियर? सो दिस SS ओवरलैपिंग इज रिजल्टिंग इन टू द सिग्मा बॉन्ड। एंड बेटा दिस SS ओवरलैप विल गिव यू ओनली द सिग्मा बॉन्ड, इट विल नेवर गिव यू द पाई बॉन्ड। नाउ SP ओवरलैपिंग, यू नो बेटा जैसे दिस ओ S ऑर्बिटल, दिस ओ P ऑर्बिटल। नाउ व्हेन दिस S ऑर्बिटल इज अप्रोच्ड बाय दिस P ऑर्बिटल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर? सो नाउ दिस इज approaching this S orbital along the internuclear axis, so SP overlapping is taking place over here. So beta, that is also resulting into the formation of your sigma bond. And this type of overlap occurs between the half-filled S orbital of one atom and a half-filled of P orbital of the another atom. Next beta, PP overlapping. You know, beta, again, this type of overlap jo hai, will take place between the half-filled p orbitals of one atom and half-filled p orbital of the other atom. Beta. Means, two approaching atom ke jo p orbitals hain, half-filled, they will result into the pp overlapping, which will result into the formation of your sigma bond. Just see, and again, p orbital of one atom and p orbital of your other atom, they are approaching each other along the internuclear axis and that is resulting into the formation of your sigma bond again. So this PP overlapping is also resulting into the formation of your sigma bond. Now beta, pi bonds. You know, this pi bond is formed by the sidewise overlapping of the orbitals. Now let's say this is the one orbital of the p an atom. This is the p orbital of another atom beta. When these two atoms are close, coming close to each other, so they are undergoing the sidewise overlap, just like this. So sidewise overlapping की वजह से जो bond बन रहा है बेटा, that is a pi bond. The pi bond is formed by the sidewise overlapping of the atomic orbital. और sidewise overlapping में क्या होना चाहिए बेटा? जो आपके orbitals होने चाहिए, जो overlap हो रहे हैं, they must be parallel to each other. So, जैसे यहां पैरेलल हैं, दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ लेट्स से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है बेटा, तो इसके परपेंडिकुलर है ये। ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू द साइडवाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर्स टाइप चार्ज क्लाउड्स बेटा, ये आपके दो चार्ज क्लाउड बन के अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन of the participating atoms beta. Now strength of the sigma and pi bonds, you know beta, strength jo hai bond ki, that depends upon the overlapping of the atomic orbitals. More is the overlapping of the atomic orbitals, more is the strength of the bond. Now abhi kaha maine aur yahan kya puch rahe hum ki strength jo hai aapki bond ki kiske upar depend kar rahi hai, that depends upon the extent of your overlapping of the orbitals. In case of sigma bond beta, जो overlapping है orbitals की, that takes place to the larger extent, greater extent तक आपकी इसकी overlapping रहती है, तो it means sigma bond is a stronger bond. और आपकी
जो आपकी पाई बॉन्ड में जो रहती है आपकी ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल बेटा दैट टेक प्लेस टू द लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड. इट मींस सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है सिग्मा बॉन्ड के केस में दैट इज अ मोर. फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट बेटा दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल pi bond is formed in addition to the sigma bond. Sigma bond, कोई भी single bond है बेटा दो atoms के बीच में, that is a sigma bond. एक से ज्यादा है तो क्या होगा, मान लिया दो bond है दो atoms के बीच में, तो एक sigma है दूसरा pi है, तीन है तो एक sigma दो pi. कोई भी दो bonds आपके sigma bonds नहीं होंगे बेटा. सिंगल बॉन्ड विल बी अ सिग्मा, इट विल नेवर बी पाई बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. ओके बेटा, अभी हमने क्या कहा बेटा सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग की वजह से या हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ऑफ द टू एस एस ऑर्बिटल, टू पी पी ऑर्बिटल अलॉन्ग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल along the internuclear axis की along जब आपकी overlapping होगी बेटा तो आपका sigma bond बनेगा. pi bond क्या बनेगा बेटा, sidewise overlapping की वजह से बनेंगे आपके, और किसके sidewise overlapping of the 2p orbitals की वजह से आपके जो bond बनेंगे they are your pi bonds बेटा. sigma bond is a stronger bond whereas your pi bond is a big bond as compared to the sigma bond बेटा. Bond energy of the sigma bond is your 80 kilocalories beta, whereas bond energy of pi bond is your 65 kilocalories beta. और जो आपका electron cloud है beta, that is symmetrical about the internuclear axis, whereas the electron cloud of the pi bond is not symmetrical beta. So electron cloud जो है beta is above and below the plane of the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. आपका सिग्मा बॉन्ड जो है बेटा दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, व्हेयरएज आपका जो पाई बॉन्ड है बेटा दैट विल ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड बेटा. होप फ्रेंड्स दिस इज क्लियर.